राजकुमार राव और सानिया मल्होत्रा की द मोस्ट अवेटेड फिल्म हिट द फर्स्ट केस फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और आज हम उसी फिल्म के प्रेस शो पर मौजूद है। तो आइए जानते हैं रिपोर्टर्स से कि उनको ये फिल्म कैसी लगी। बहुत अच्छी बनी है, एक थ्रिलर, अच्छी मर्डर मिस्ट्री है और एक काफ़ी थरार है उस फिल्म में। अच्छी लगी यार, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है, बहुत ही ज़्यादा ग्रिपिंग है। फिल्म मेकिंग में कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं अच्छे फिल्म के, वो सारे इसमें हैं। मतलब आपको अनयूजुअल लगे लेकिन एज जो मेकिंग है इसका बहुत ही अच्छा है। हिटी है वो, एक्चुअली हिटी पिक्चर है वो। द डायरेक्शन वॉज ओके, द स्टोरी लाइन वॉज प्रीटी ग्रिपिंग एंड द वे द कैरेक्टर्स वर वोवन इन द फिल्म, दैट वॉज ऑल्सो वेरी इंट्रीगिंग। और एंड में जो खुलासा हुआ, आई काइंड ऑफ गेस्ट इट, मेरे बाजू में जो जर्नलिस्ट बैठी थी, आई काइंड ऑफ सेड इट दैट दिस कुड बी द रीज़न एंड इट एक्चुअली केम आउट टू बी द थिंग, द ट्रूथ। सो इट वॉज प्रीटी गुड, इट वॉज वेरी गुड एंड ये लिटिल अच्छी थी। मतलब मैं ज़्यादा कुछ और बोलूँगा नहीं, बस मैं कहूँगा HIT फिल्म का नाम है द फर्स्ट केस और मैं चाहूँगा फिल्म के आफ्टर 2 hours and 16 minutes आई होप ये फिल्म पर्दे पे हिट साबित हो, क्योंकि इसके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो आप एसोसिएट करते हैं विद अ गुड थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री फिल्म। बस ये कहूँगा कि स्टार्ट से लेकर एंड तक राजकुमार राव उस फिल्म में बिल्कुल एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं और मेरी राय में दिस इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेज यू नो इन हिज करियर। और जैसा कि शायद हम जानते हैं, ये फिल्म एक तेलुगु फिल्म ऑफ द सेम टाइटल, उसकी रीमेक है। और मैंने तेलुगु फिल्म देखी तो नहीं, लेकिन जो सुना है तकरीबन कहानी बिल्कुल वही है और एक एज नॉर्मल जो होता है रीमेक में थोड़ा बहुत चेंजेस किए जाते हैं। मतलब है ना, इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती हैं। तो अभी केस के ऊपर था तो केस काफ़ी लंबा था, तो थोड़ी सी पिक्चर मुझे लंबी लगी लेकिन अच्छी बनाई है। लास्ट तक सस्पेंस नहीं पता चलता है और मतलब कहीं दिखावा नहीं है, जैसे ड्रेसिंग में सब में एकदम दिखाया है, जो अच्छे से दिखाया है। और जब किसी पे केस चलता है तो सब मुझे उसमें मुजरिम होते हैं, तो वो भी किया है। राजकुमार राव ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है पिक्चर में, तो मुझे तो मतलब अच्छी लगी। सबका परफॉर्मेंसेस भी अच्छा है, खास करके राजकुमार यादव का, सानिया मल्होत्रा का और एंटायर कास्ट का परफॉर्मेंस अच्छा है। परफॉर्मेंसेस राजकुमार राव हैं तो आप क्या बोलोगे, बहुत ही बढ़िया होना ही है वो। तो ओवरऑल डायरेक्शन और परफॉर्मेंसेस दोनों अच्छा, राजकुमार राव बहुत अच्छा काम किया है एंड बेस्ट एक्टर, बहुत अच्छा काम हुआ। परफॉर्मेंस वाइज अच्छी थी, एज इन वट एवर ही कुड डू बेस्ट इन द रोल ही डेफिनेटली डिड इट। पर सानिया मल्होत्रा कहीं नज़र नहीं आई, वो शुरुआत में आके फिर उसके बाद पता नहीं पूरे फिल्म में नहीं थी, लास्ट में फिर 5-10 minutes के लिए थी। हालांकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दैट परफॉर्मेंस एक्चुअली मैटर्स। अनफॉर्चुनेटली शी डिडन्ट रियली हैव मच टू परफॉर्म इन हर रोल। दिस इज़ लाइक अ वन मैन शो बाय राजकुमार राव, और ऐसा नहीं कि बाकी एक्टर्स ने अच्छा काम नहीं किया। सानिया मल्होत्रा जिनका कैरेक्टर जो है, जो राजकुमार राव की गर्लफ्रेंड और उनकी कलीग प्ले कर रही है, तो उनकी इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ में रहे और उसके बाद तो खैर अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको कहानी पता हो। सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, राजकुमार राव की स्पेशली बहुत अच्छी थी, उसके साथ जो था लड़का उसने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, सानिया मल्होत्रा ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन उनका रोल बहुत कम था पिक्चर में, हीरोइन के हिसाब से बहुत ही कम था। मैं 4 दूंगा। हैज टू बी 3+। 5 दे देंगे, मतलब 5 दे दूंगा। 3.5। 5 में से मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 स्टार। 2.5। सस्पेंस और ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर हिट द फर्स्ट केस फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुके हैं और आपने जाना रिपोर्टर्स से भी कि उन्होंने अपना थम्स अप दे दिया है। आप भी जाइए थिएटर्स में इस फिल्म को देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसे लगी। दिस इज पूजा पटेल, यर साइनिंग ऑफ फॉर बॉलीवुड नाउ विद कैमरा पर्सन विनय।